गुड मॉर्निंग। इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक वी लर्न फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन टू द गिवन डाटा। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द फिटिंग ऑफ पैराबोला टू द गिवन डाटा बाय लीस्ट स्क्वेयर मेथड। राइट, सो कैन वी स्टार्ट? सो सेकंड डिग्री पैराबोला, there are different types of equation of second degree parabola. So this is y is equal to a plus bx plus cx, right? So this is what, this is a standard form, right? Now from this given equation of parabola we find normal equations. Okay, so tell me how many constants are there. Constants a, b and c, is that clear? Now what are the coefficients of constants? Look at here, coefficients of a, b, c are, a ka coefficient kitna hai, what is the coefficient of a? 1. B का कोएफिशिएंट x एंड C का कोएफिशिएंट x स्क्वायर। ओके, सो नाउ मल्टीप्लाई बाय 1 टू गिवन इक्वेशन, तो क्या मिलेगा आपको? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, सेम इक्वेशन। नाउ टेक summation, so what you will get? Summation of y is equal to summation of a plus bx plus cx square, right? So this will be equal to, this is equal to summation of a plus b summation of x plus c summation of x square. तो पहला normal equation, first normal equation आपको मिला. Okay, now similarly what we do? Multiply by what is the coefficient of b? X to given equation. तो क्या मिलेगा आपको? Right, तो what you will get xy is equal to ax plus bx square plus cx cube, बराबर है? Similarly multiply by x square to given equations, तो क्या मिलेगा आपको? x square y is equal to ax square plus bx cube plus c into x to the power 4. Okay, और उसी तरह ये दोनों equation का अगर हमने summation लिया तो हमको नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगे। तो व्हाट इज द नॉर्मल इक्वेशन? समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स क्यूब, राइट? ये एक हो गया। और दूसरा नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद? तो यू विल गेट समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स टू द पावर 4। तो लुक एट हियर, दिस वाज गिवन इक्वेशन एंड व्हाट आर द नॉर्मल इक्वेशंस? तो नॉर्मल इक्वेशन देखिए, ये नॉर्मल इक्वेशन था 2,
देन दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट 4। ये नॉर्मल इक्वेशंस हो गए। सो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, ए देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 3 कॉन्स्टेंट्स है, तो नॉर्मल इक्वेशंस कितने मिले आपको, 3, राइट। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, कितने a एंड b, ओके। अब a का कोएफिशिएंट क्या है, a का कोएफिशिएंट 1 और b का कोएफिशिएंट क्या है, 1 स्क्वायर, ओके। तो मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ a 1, तो क्या मिलेगा आपको, देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ओके। तो दिस गिव्स समेशन ऑफ y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ओके। और दूसरा ये कहाँ से मिला आपको, ये से मिला, अब b के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर 4। तो फाइनली दिस वुड बी समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स टू द पावर 4। इज दैट क्लियर, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे हमने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ ए, समेशन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस एन टाइम्स, सो दिस इज इक्वल टू एन ए, एंड देयरफॉर यहाँ पे जो समेशन ऑफ ए है इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, एन ए, और यहाँ पे भी समेशन ऑफ ए है इसकी वैल्यू क्या होगी, एन ए, दैट क्लियर। सो इस तरह नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालना समझ में आ गए, तो डायरेक्ट लिखते आना चाहिए अभी। अब देखिए अब हम देखते हैं ये, अब इसके नॉर्मल इक्वेशन डायरेक्ट आपको आना चाहिए। कॉन्स्टेंट्स कौन से है, देखिए कॉन्स्टेंट्स है ए, तो ए की वजह से आपको मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब, ओके। और फिर दूसरा कॉन्स्टेंट कौन सा है, बी, इसका कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, तो उसकी वजह से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई करने से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स टू द पावर 4, इज दैट क्लियर। अब इसका समेशन लो तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहां समेशन लेने के बाद में समेशन लिया आपने, ओके, ये दोनों इक्वेशन जो है इसका समेशन लिया, तो समेशन लिया तो क्या मिला, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स क्यूब प्लस बी समेशन एक्स टू द पावर 4, दैट क्लियर। ये दो नॉर्मल इक्वेशन मिले, एक यानी 2 और 3, ओके, एंड दैट वाज गिवन इक्वेशन 1। अब इसमें देखो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, एक ही है, कौन सा, ए, तो उसकी वजह से ए का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर, तो उससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर 4, ओके, एंड देयरफॉर यू विल गेट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4,
दैट क्लियर? तो ये नॉर्मल इक्वेशन हो गया टू. ओके, तो इस तरह नॉर्मल इक्वेशन. नाउ सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे ये टू एंड थ्री, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए. ओके, यहाँ पे सिंगल इक्वेशन है, यू कैन सॉल्व. या अब पीछे गए हम, तो सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस, कौन से साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, टू थ्री एंड फोर. ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके कौन सा रूल अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए, क्रैमर्स रूल. ओके, तो सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर ए बी सी और ए बी और ओनली ए बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देन दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला बेस्ट फिटेड टू द गिवन डाटा. इज दैट क्लियर? सो ये हो गया. अब देखते हैं एग्जाम्पल. फिट अ कर्व y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा, x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, y इज गिवन. इज दैट क्लियर? सो नाउ लुक एट हियर सोल्यूशन. गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज What is the given equation of curve? Y is equal to A X plus B X square. This is one. कितने constants है यहाँ पे? कितने constants है? Constants कितने है? A and B. तो आपको दो normal equation मिलेंगे. A का coefficient क्या है? X. B का coefficient क्या है? X square. तो पहले अपन ए के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब, बराबर है. अब इसका समेशन लेंगे हम, तो समेशन क्या होगा? तो समेशन समेशन वुड बी समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. दैट क्लियर? अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक्स स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स टू द पावर फोर. अब इसका समेशन लेंगे. तो समेशन लिया तो क्या मिलेगा आपको? देखो, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स क्यूब प्लस बी समेशन एक्स टू द पावर फोर एंड दिस इज इक्वेशन थ्री. ये दो नॉर्मल इक्वेशन हमको यहाँ मिले, कौन सा? टू एंड थ्री. वी कैन सॉल्व दिस. सो द नॉर्मल इक्वेशंस आर टू एंड थ्री. ये ये टू और ये थ्री. एग्जैक्टली दीज आर नॉर्मल इक्वेशंस. सो अकॉर्डिंगली वी प्रिपेयर नाउ अ टेबल. एग्जैक्टली अब देखते हैं हम टेबल. देखिए एक्स वाई. ओके, सो लेट अस सी. ये टेबल है. अब x की वैल्यू हम देखेंगे. क्या है x की वैल्यू? x इज इक्वल टू कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इज दैट क्लियर? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. व्हाट इज द समेशन ऑफ x देन? 1 + 2, 3, 6, 10, 15 and 21. सो ये कितना आया? 21. इज दैट क्लियर? अब देखते हैं y की वैल्यू. y की वैल्यू क्या है? देखिए 2.51, 2.81, 5.82, 9.93, राइट, देन 14.84, 20.55,
27.06। अब इनका सम किया तो वो कितना आएगा, 80.71। कितना आएगा, 80.71। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं एक्स वाई, एक्स वाई यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, तो कितना आएगा देखो, 2.51, 2.51 इंटू वन, कितना आएगा 2.51। ओके, एक्स स्क्वायर वाई भी 2.51, एक्स स्क्वायर कितना आएगा 1, एक्स क्यूब कितना आएगा 1, और एक्स टू द पावर 4 भी कितना आएगा 1। ओके, अब 5.82 इंटू वन कितना आएगा, इंटू एक्स वाई है ना 2, तो कितना आएगा ये 11.64। उसके बाद में कितना आएगा, 29.79। उसके बाद में कितना आएगा, 59.36, राइट। उसके बाद में कितना आएगा, 102.75, यानी ये आएगा 162.36, एक्स और वाई का प्रोडक्ट। और इसका समेशन कितना आएगा, 368.41। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का स्क्वायर करेंगे और उसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5.82। इज दैट क्लियर? देखिए कितना आएगा, 23.28। एक्स का स्क्वायर 4, एक्स का क्यूब 8, और एक्स टू द पावर 4 कितना आएगा, 16। दैट क्लियर? अब हम देखते हैं ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9.93, तो दैट इज व्हाट, 89.37। दिस इज 237.44 5 1 3.75 9 7 4 9 7 4.16। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं ये एक्स इज इक्वल कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 3 का क्यूब 27, और ये कितना आएगा, 81। उसके बाद में ये 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, 5 का 25, 6 का 36। इज दैट क्लियर? उसके बाद में देखते हैं हम ये 64, 125, 216, राइट, एंड दिस वुड बी 256, 625, ओके, एंड दिस इज हाउ मच, 1296। इज दैट क्लियर? अब हम ये सब पूरे समेशन लेते हैं, तो समेशन देखिए क्या आते हैं, तो इसका समेशन क्या आएगा, इसका समेशन आएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, समेशन अगर लिया इट इज 1840.51, इसका समेशन आएगा 91, इसका समेशन ऑफ एक्स क्यूब आएगा 441, एंड समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 आएगा 2275। दैट क्लियर? अब देखते हैं हम ये सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन नॉर्मल इक्वेशंस, तो नॉर्मल इक्वेशंस, पहला नॉर्मल इक्वेशंस क्या है, पहले नॉर्मल इक्वेशन में अगर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो व्हाट यू विल गेट,
यू विल गेट अ नाइन्टी वन ए प्लस 441 बी इक्वल टू 368.41, राइट। और दूसरा नॉर्मल इक्वेशन आएगा 441 ए प्लस 2275 बी इज इक्वल टू कितना आएगा 1840.51। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सॉल्विंग दिस बाय क्रैमर्स रूल। ओके, सो व्हाट इज द क्रैमर्स रूल नाउ? क्रैमर्स रूल इज वी फर्स्ट फाइंड आउट डेल्टा। सो डेल्टा इज व्हाट? डेल्टा इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ कोई 91 441 441 2275। डेल्टा ए क्या होगा? डेल्टा ए इज राइट, डेल्टा ए इज ए के कोएफिशिएंट जो है वो रिप्लेस करेंगे अपन 368.41 और 1840.51। बी के कोएफिशिएंट एज इट इज रखेंगे 441 2275। दैट क्लियर? उसके बाद में डेल्टा बी निकालेंगे, तो डेल्टा बी में बी ए के कोएफिशिएंट एज इट इज रखेंगे 91 441 और यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे 368.41 1840.51। ओके, अब इनको सॉल्व किया हमने। ओके, तो द आंसर विल कम्स आउट, इसका आंसर आएगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो ये आएगा 10 3400, ये आएगा 42 दिस वुड कम 12544 and this will be 26467.84 और ये आएगा 5017.6। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास दूसरा एक फॉर्मूला है, कौन सा? ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय डेल्टा, तो डेल्टा ए कितना है 26467.84 अपॉन डेल्टा कितना है 12544। ये आंसर आएगा कितना आएगा आंसर 2.2.11 और बी कितना होगा? बी कितना होगा? देखिए बी होगा डेल्टा बी बाय डेल्टा, सो डेल्टा बी कितना है 5017.6 डिवाइड बाय डेल्टा 12544, सो दिस कम्स आउट 0.4। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मिल गई आपको। अब ये वैल्यू इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था? वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब ए की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो वाई इज इक्वल टू 2.11x प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी कितना होगा 0.4x स्क्वायर एंड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बेस्ट फिटेड टू द गिवन कर्व। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। फिट अ पैराबोला वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर टू द फॉलोइंग डाटा 0 2 5 10 4 7 6.4 -6। ओके, तो लुक एट हियर, द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज हियर इन दिस एग्जांपल वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसके नॉर्मल इक्वेशन क्या होंगे? ए का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो पहला नॉर्मल इक्वेशन होगा समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द है दूसरा? ओके, एन इज इक्वल टू कितना होगा
जीरो टू फाइव टेन यानी कितने फोर ऑब्जर्वेशन है, तो एन इज इक्वल टू फोर। ओके देन सेकंड नॉर्मल इक्वेशन फ्रॉम बी, तो ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बी का कोएफिशिएंट है एक्स, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स क्यूब, ये इक्वेशन थ्री। देन फ्रॉम कोएफिशिएंट ऑफ सी दैट इज एक्स स्क्वायर, तो थर्ड नॉर्मल इक्वेशन होगा एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई सॉरी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अपन, तो ये आएगा ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स टू द पावर फोर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। सॉल्विंग दिस इक्वेशन टू थ्री एंड फोर फ्रॉम द टेबल वैल्यूज राइट वी विल गेट दैट क्लियर। सो नॉर्मल इक्वेशंस हो गए टू थ्री एंड फोर, अब देखते हैं टेबल। अब टेबल में देखिए, टेबल में देखिए व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स हियर, एक्स की वैल्यू क्या है देखो, एक्स की वैल्यू है जीरो फाइव जीरो टू फाइव टेन ना, जीरो टू फाइव टेन। पहले एक्स का स्क्वायर देख लेंगे आप कितना है, एक्स का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर जीरो, टू का फोर, फाइव का ट्वेंटी फाइव और टेन का हंड्रेड। फिर एक्स का क्यूब ले लेते हैं आप, तो जीरो का क्यूब जीरो, टू का एट, फाइव का वन ट्वेंटी फाइव और टेन का थाउजेंड। फिर एक्स का पावर फोर ले लेते हैं कितना आएगा, जीरो का पावर फोर, टू का पावर फोर सिक्सटीन, फाइव का पावर फोर कितना आएगा सिक्स ट्वेंटी फाइव और टेन का पावर फोर टेन थाउजेंड। ये आ गए। अब वाई की वैल्यू देखते हैं, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वाई नाउ, वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखिए कितना है फोर सेवन सिक्स पॉइंट फोर माइनस सिक्स। अब x इंटू वाई हम कैलकुलेट करते कितना आएगा, जीरो जीरो इंटू फोर फोरटीन थर्टी टू माइनस सिक्सटी, इज दैट क्लियर। अब देखते हैं हम एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई कितना आएगा जीरो ट्वेंटी एट ओके और ये आएगा वन सिक्सटी और ये आएगा माइनस सिक्स हंड्रेड। ओके नाउ टेक दी समेशन, समेशन ऑफ एक्स कितना आएगा सेवनटीन, समेशन ऑफ वाई कितना आएगा एलेवन पॉइंट फोर। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आएगा माइनस फोरटीन, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा वन ट्वेंटी नाइन, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई कितना आएगा माइनस फोर वन टू, समेशन ऑफ एक्स क्यूब कितना आएगा वन वन थ्री थ्री एंड समेशन ऑफ एक्स टू द पावर फोर कितना आएगा टेन सिक्स फोर वन टेन सिक्स फोर वन। एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द नॉर्मल इक्वेशंस तो क्या मिलेगा आपको, देखो पहला नॉर्मल इक्वेशन होगा एन ए, यानी कितना आएगा पहला नॉर्मल इक्वेशन फोर ए बराबर है प्लस सेवनटीन बी प्लस वन ट्वेंटी नाइन सी इज इक्वल टू कितना आएगा समेशन ऑफ वाई एलेवन पॉइंट फोर, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, सॉरी टू थ्री फोर नॉर्मल इक्वेशन थे तो ये फाइव हो गया फाइव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो ये आएगा सेवनटीन ए वन ट्वेंटी नाइन बी प्लस वन वन थ्री थ्री सी इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस
14. This is equation number 6. Is that clear? Then you see, third normal equation. Kya hoga? 129A plus 1133B plus 10641C. That is C into summation of x to the power 4 is equal to summation x square y kitna hai? Minus 412. This is equation number 7. Right. Now solving these three equations by Cramer's rule. Is that clear? So let us see. So Cramer's rule se agar aapne solve ki hai, to let us see what you will get. Delta. Pahle to delta milega aapko. So what is delta now? Delta, agar calculate kiya, the determinant of the coefficients of A, B, C, 10, 3, 4, 0, 0. Then delta A, determinant of coefficient mein, A ke coefficient replace karenge constant value se, TTI 421520. Is that clear? अब देखेंगे हम delta B. Delta B आएगा 204710. And delta C is equal to, that will be equal to minus 30910. Minus 30910. Is that clear? अब देखो, अब A is equal to कितना होगा? Delta A by delta. B is equal to क्या होगा? Delta B by delta. Calculator आप use कर सकते हैं. C is equal to क्या होगा? Delta C by delta. Okay? अब देखते हैं हम A. तो A comes आए 4.077. और B आएगा 1.986. और C आएगा minus 0.299. That clear? So ye values nikalne ke baad, therefore what is the equation of parabola? Y is equal to a plus bx plus cx square. To kya milega aapko? Y is equal to a 4.077 plus bx. To b kitna hai? 1.986x plus c and minus c ki value to minus 0.299x square. So this is the equation of parabola best fitted to the given data. Is that clear? So here equation of parabola ho gaya. Isn't it? So in this way we can fit a given equation of parabola to the given data. Thank you. If you understand this lecture, kindly subscribe and press bell button and share it. Okay, thank you very much.